डायना का स्काई हॉक काफी यूनिक गन है भाई। ये हैडसन कंपनी की है, इसकी पीएसआई अब 950 से ऊपर है। ये सारे हमारे शूटर्स यूज करते हैं। ये सिंगल शॉट एयर राइफल है भाई साहब, ये देखो ये इतनी लाइट वेट सबसे पावरफुल एयर गन है। इसको बोल्ट करते रहिए और 18 शॉट्स आप फायर कर सकते हैं। ये हेलबॉय कंपनी की है और आपने इसको वन टाइम टॉप करना है और काफी बल्कि ये देख रहे हो। तो अभी गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एयरगन की शॉप पे और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आज इंपोर्टेड राइफल। सो अभी गाइस ये देखो मैं पहुंच चुका हूँ अभी अमन एयरगन इंडिया, अमन रियल्टर्स। देखो ये रहे हमारे भैया, भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं? आज की वीडियो में हम अपने एयर राइफल्स की कलेक्शन दिखाने वाले हैं और वो भी स्पेशली इम्पोर्टेड वाली है राइफल्स की। तो अभी गाइस तुम ये वाली गन देखो भाई, तुमने कभी देखी नहीं होगी यूट्यूब पे, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है एकदम अच्छी तरह। भाई काफी प्यारी लग रही है ये वाली गन देखो। अब भैया देखो कौन सी गन एक्सप्लेन कर रहे हो, काफी यूनिक गन है भाई, तुम देख रहे हो। आज तक मेरे को लगा कभी तुमने देखी नहीं होगी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मेरे को लग रहा है भैया किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। ये हैडसन कंपनी की है, हैडसन कंपनी की ग्लैडियस। ओए होए ये देखो भाई है लॉन्ग ग्लैडियस भाई, बहुत गजब लुकिंग है, बहुत प्यारी लुकिंग लग रही है इसकी, अलग ही लग रही है गन देखो। ये बुलपप मॉडल है। अच्छा, जितनी छोटी एयर राइफल्स होती हैं उनको बुलपप बोलते हैं। बुलपप ये बुलपप मॉडल्स है, इजी कैरिंग है, कहीं पे भी गाड़ी वाड़ी में आराम से कैरी हो सकती है। अच्छा बाहर बाहर को दिक्कत तो नहीं? आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लेके घूम सकते हैं, पुलिस से दिक्कत तो नहीं कोई? आपके पास बिल होना चाहिए और लीगली परचेज होनी चाहिए और 20 जूल से नीचे होनी चाहिए और आप किसी को थ्रेटनिंग नहीं करनी चाहिए, आप अपनी शूटिंग प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो बहुत बढ़िया, बाकी किसी भी चीज का मिस यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है, आप नॉर्मली इसका अच्छा यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में कुछ बताओ तो। ये इसकी मैगजीन है, तो ये इसके साथ चार मैगजीन आती हैं, चार। इसके लिए प्लस पॉइंट क्या है ये आप देखिए, जगह चारों लगती है, ये चारों एक इसमें चलती है और तीन आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ये मैगजीन्स को पॉकेट में या किसी बैग में कैरी करने की जरूरत नहीं है, गन में ही लोड हो जाएगी, गन में ही लोड हो जाएगी और एक ये वाली मैगजीन यहाँ पे लोड होती है, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ लोड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपीज़। तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई भाई, 1,10,000 भाई, लुकिंग में भी काफी बढ़िया लग रही है। इसके अंदर आप इसकी पावर भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ शॉट्स ज्यादा चलाने हैं तो आप इसकी पावर को लो कर लो, अगर आपको नंबर ऑफ शॉट्स कम चलाने हैं, पावर ज्यादा चाहिए तो इसकी पावर को आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये बटन है इसकी पावर का जी। और भैया इसकी पीएसआई पावर कितनी है? इसकी पीएसआई अब 950 से ऊपर है। 950 से ऊपर है मतलब 1000 तक होगी? होगी 1000 FPS आपको मिल जाएगा। हेडसन ग्लैडियस, ओके भाई काफी अच्छी गन लगी, बताना मेरे को कमेंट में तुम्हें कैसी गन लग रही है सारी। सो भी गाइस एक तो तुमको दिखाई है अभी यूनिक, अब तुम्हें दिखा दो दूसरी गन की। भाई इसकी लुकिंग देख रहे हो, बिल्कुल नेक्ड है, कोई बल्कि नहीं, बिल्कुल पतली सी गन है तुम, मैं तुम, और अभी मैं तुमको ये वाली गन एक्सप्लेन करवाता हूँ। इस एयर राइफल का नाम फेनब्रो 800 है। 800 ये एयर राइफल जो है ये सारे हमारे शूटर्स यूज करते हैं, शूटर जो प्रॉपर ओलंपिक में कॉम्पिटिशन में नेशनल में स्टेट लेवल में खेलते हैं, ये उनकी एक फेवरेट एयर राइफल है। ये सिंगल शॉट एयर राइफल है, ये सिंगल शॉट, यहाँ पे एक सिंगल पैलेट डलता है। ये सिंगल शॉट एयर राइफल भी इन सब एयर राइफल से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी प्रेसिशन बहुत ही बढ़िया है, जहां पे आप एम लेंगे वहीं पे प्रॉपर पैलेट जाता है। हम आपको एम लेके दिखाते हैं इसमें कैसे एम लेते हैं। ये सब एडजस्टेबल है, इसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना चाहेंगे, अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से आप इसको सब एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये मेनली क्या है, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए मेनली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज होती है। ओके, और इसकी क्या प्राइस है? ये 2,00,000+ है। 2,00,000+ भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल गन है, जो प्रो होते हैं ना जिनको शूटिंग प्रैक्टिस सीखनी होती है ये उन्हीं के लिए है। कोई देख रहा हो ना ओलंपिक का प्लेयर तो भाई देख लो, तुम्हारे लिए गन बेस्ट है, खरीद लेना अगर। तो अब भैया देखो कौन सी गन दिखाने वाले हैं भाई साहब, ये देखो ये FX कंपनी है, FX की मैवरिक है। ये इतनी लाइट वेट और सबसे पावरफुल एयर गन है, इसमें 18 शॉट्स की मैगजीन आती है। 18 शॉट्स की मतलब बहुत कम ऐसी एयर राइफल्स होती हैं जिसमें 18 शॉट्स की मैगजीन आती है। वही तो सबसे ज्यादा शॉट देखो इसी में लगेंगे, 18 शॉट मतलब 18 शॉट पावर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो इसकी पावर भी एडजस्ट हो जाएगी, मतलब भैया 18 शॉट हम एक बार लोड करने के बाद 18 शॉट फायर कर सकते हैं। हाँ, एक बार आप लोड करने के बाद इसको बोल्ट करते रहिए और 18 शॉट्स आप फायर कर सकते हैं। ये इसका सिलेंडर है, ये देखो सिलेंडर लगा हुआ है इसका, ये सिलेंडर है, ये इसका प्रेशर गेज है, ये प्रेशर है। और भाई ये देखो ये बैरल देखो, यहाँ से इसकी गन निकलेगी। और एक बार लुकिंग दिखाना भैया इसकी अपने हाथ में, इसको लुकिंग देखो भाई इसकी गजब लग रही है। और इसकी प्राइस क्या है? ये 2,00,000+ की रेंज में, 2,00,000+ की, काफी एक्सपेंसिव है ये वाली भी और काफी अच्छी भी लग रही है देखने में। इसकी फिनिशिंग बहुत बहुत ही प्यारी है, तो ये देख लो भाई अच्छे से एकदम है ना भाई, इम्पोर्टेड है, बहुत बढ़िया ब्रांड है एकदम। और देखो इसमें भी PSI मीटर लगा हुआ है, ये देखो इसमें PSI मीटर लगा हुआ है। अभी दिखा रहे हैं भैया ये कौन सी है? ये हेलबॉय कंपनी की है, हेलबॉय।
तो ये देखो, ये हेलबॉय कंपनी की है एयर राइफल, अच्छी लग रही है काफी देखने में भी। इसकी लुक देखने में बिल्कुल रियल वाली फील देती है आपको, AK-47 स्टाइल वैसी फील देती है। और इसका ब्रांड नेम है, इसकी प्राइस क्या है? ये 95,000 के बजट में। अच्छा, ये थोड़ी चीप आ जाती है और काफी अच्छी भी लग रही देखने में। ये एडजस्टेबल है, आप इसको लंबा करना हो छोटा करना हो। और लोड कहाँ से होती है? अच्छा, इसमें है कितने, वो शॉट कितने मिलती है? 20 शॉट है ये भाई, बहुत। ये स्टील विंडीज हैं और ये CO2 सिलेंडर से चलती हैं। CO2 सिलेंडर जैसे एयर पिस्टल से चलती हैं, इसमें CO2 सिलेंडर लोड हो जाता है और आपने इसको वन टाइम कॉक करना है, उसके बाद ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये आप ट्रिगर दबाते रहेंगे 20 शॉट्स फायर करती रहेगी। बहुत बहुत प्यारी गन लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ये। इसकी प्राइस है 95,000 हेलबॉय। उसके बाद आ जाती है अपनी ये एक और मॉडल आ गया आपका, डायना का स्काई हॉक। ये अभी लेटेस्ट मॉडल है, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में आया है। इसकी आप लोग देखिए, ये भी बुलपप शेप में है, बहुत बहुत बल्कि जो छोटी शेप में है। और देखो पूरा वुडन वुडन डिजाइन है इसका, पूरा वुडन देख रहे हो, बहुत स्लीक लुक में है, लाइट लुक में है, वुडन फिनिश में है। इस पे आप टेलीस्कोप लगा सकते हैं, और कोई आपने एक्सेसरी लगानी है टॉर्च वगैरह तो वो भी लगा सकते हैं, रेड डॉट चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसका मीटर लगा हुआ है, और देखो ये मुझे लगा डबल बैरल है, पर यहाँ पे इसका मीटर है। और इसका प्राइस क्या है? ये आपको दे देंगे 90,000 के बजट में। ये भी 90 की, और काफी बल्कि है, देख रहे हो इसका लुकिंग, देख रहे हो एक बार यहाँ से पकड़ने के लिए। इसमें लॉक है? लॉक सब एयर राइफल्स में लॉक आता है। अच्छा, ये आपका लॉक, तो ये देखो ये सेफ्टी लॉक है इसका, बहुत बढ़िया लुकिंग लग रही है भाई, बहुत अच्छी है। इसमें भी मैगजीन्स भी लग सकती है और आप इसको सिंगल शॉट भी चला सकते हैं। सिंगल शॉट भी? तो भैया इसमें मैक्सिमम शॉट कितने जाते हैं? इसमें हम इसको चाहें तो सिंगल शॉट भी चला सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल शॉट चलाना है तो इसकी मैगजीन ये निकल जाता है, मैगजीन डल जाती है, 11 शॉट्स की मैगजीन इसमें लोड जाती है। 11 शॉट एक बारी में जी। चल, और इसमें सिलेंडर तो लगता है फिर लगा हुआ है? सिलेंडर इसमें इनबिल्ड है। इनबिल्ड है, इसी को हमने रिफिल करना होता है। रिफिल करना CO2 वाला जी, ठीक है। और इसकी प्राइस है 95,000, इसका नाम था। ये हम इसको यहाँ से ऊपर करेंगे और इसके अंदर अडाप्टर आपको साथ में मिलता है, अडाप्टर से आप इसको स्कूबा टैंक से या फिर पंप से इसको रिफिल कर सकते हैं। तो अभी वो पंप दिखाएंगे बाद में। हमारे पास पंप भी है, स्कूबा टैंक भी है, सारी चीजें हैं, आप जो हमसे लेना चाहें वो ले सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पंप भी है हमारे पास। ये कुछ और एयर राइफल्स हैं, अगर आपने इसको देखना है तो आप देख सकते हैं। एक ये मॉडल है, ये वॉल्थर की टेरिस कंपनी है, वॉल्थर कंपनी में ब्रेक बैरल एयर राइफल है ये। आप यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं इसका, ब्रेक बैरल एयर राइफल वॉल्थर टेरिस। इसमें सिंगल शॉट है, एक बार ऐसे कॉक करना है और एक पैलेट डालना है और फायर करना है। लाइट वेट वॉल्थर की, बहुत ही बढ़िया फिनिश है। इसकी प्राइस है? ये 75,000 के बजट में। तो अभी नेक्स्ट बस बहुत है यार भैया, बस ठीक है। ये भी डायना की है, डायना की 340 एनटेक। हमने पहले 350 मैग्नम देखी थी, स्टॉर्म राइडर देखी थी, तो ये 340 एनटेक है। 340 एनटेक है, ये भी ब्रेक बैरल है, आपने एक बार कॉक करना है, एक पैलेट लोड करना है और फायर करना है। ये नाइट्रो पिस्टन के साथ है, इसके अंदर नाइट्रो पिस्टन होता है और ये बहुत जल्दी खराब होती है। चलो बहुत बढ़िया। सो भी गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि भाई इनके पास बहुत सारी इंपोर्टेंट एयर राइफल की वैरायटी है, अगर मैं सारी आपको दिखाता चला गया तो वो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मेरे को लग रहा है कि अभी भी ये 12-13 मिनट की तो बन गई होगी वीडियो, क्योंकि ना ये इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, क्योंकि मैंने आपको छोटी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी भैया के पास काफी सारी वैरायटी है देखो इंपोर्टेंट एयर राइफल्स की, मैंने खुद यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी देखी और मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ऐसी ऐसी एयर राइफल्स भी है। मैंने खुद अपने सामने देखी ना, काफी अच्छा लगा। बाकी ये देख लो पूरा पोस्टर लगा हुआ है। और भैया आपकी शॉप है कहाँ पर, एड्रेस बता दो एक बारी। ये B84 शारदापुरी रमेश नगर में है, ये रजौरी गार्डन के ऑपोजिट है। आप गूगल मैप पे अमन एयर गन इंडिया डालेंगे आपको सीधा यहाँ पे ले आएंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891616516। कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है अमन एयर गन के नाम से, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज देखें। और जो इनकी डिटेल्स होगी वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी अभी मैं आपको पंप दिखाता हूँ जिससे वो गन लोड होती है पंप से, तो वो पंप दिखाता है, ठीक है। फिर इस वीडियो को एंड करेंगे तो ये पंप देखते हैं अभी। ये इसका पंप है, इस पंप से हम इसको फिल करते हैं। ये नॉर्मल साइकिल में गैस भरने हवा भरने वाला पंप नहीं है, ये एयर राइफल्स को फिल करने वाला पंप है। ये हिल्स कंपनी का है, ये इंग्लैंड में बना हुआ है, ये इम्पोर्टेड पंप है, ये इंग्लैंड में बनता है। तो ये इसे एयर राइफल में हवा भरते हैं? हाँ, इसे आप एयर राइफल के अडैप्टर में हवा लगाते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर को एयर राइफल के अंदर डालते हैं और उसके बाद आप इसको पंप करते हैं। पंप करते हैं, तो ये देखो ये पंप है जिससे इसमें हवा भरी जाती है।
सो गाइस वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फटाफट सब्सक्राइब करके भाई मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ तो फिर अपना प्ले बटन आ जाएगा। और इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो शूट करी थी बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डाला है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ये सेकंड पार्ट है, जाके देख लेना फर्स्ट पार्ट भी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।